बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी स्टूडेंट बिरयानी। ये लाहौर में बहुत पसंद की जाती है, सबकी मन पसंद है। जहाँ देखते हैं बच्चे स्टूडेंट के स्टूडेंट बिरयानी लगी हुई है तो वो ज़रूर इसे ट्राई करते हैं। तो आज मैं घर में बनाना सिखा रही हूँ, तो माएँ अपने बच्चों को घर में भी बना के स्टूडेंट बिरयानी दे सकती हैं। उसके लिए जो है 700 ग्राम चावल लिए हैं मैंने, इन्हें एक घंटा हो गया भिगो दिया। 700 ग्राम ही गोश्त है, कोई भी आप चिकन का कोई भी हिस्सा लेना, चाहे पूरी मुर्गी लेने, यानी कि इसमें कोई नहीं है कि हमने सीना लेना है या लेग लेने हैं। टमाटर 2 अदद लेके इनकी पेस्ट बना लिया। प्याज 2 अदद मीडियम साइज के थे, इनको बारीक काट लिया। अदरक का इतना टुकड़ा है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। सब्ज़ इलायची है 3-4 अदद। हरी मिर्च का पेस्ट है। नमक हसबे जायका या 1 टेबल स्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ये फ्रेश है रेड चिली, फ्रिज में रख दें तो 2 दिन बाद ये इस तरह हो जाती है। ये लाजमी डालें क्योंकि हमने सुरख मिर्च और हल्दी इसमें नहीं डालनी। 1/2 किलो दही है। और खड़े मसाले में मैं लूंगी तेज़पत्ता, लौंग, सब्ज बड़ी इलायची और दालचीनी, वो मैं आपके सामने डाल लूंगी। 1 कप ऑयली है, थोड़ा कम ही डालेंगे। और जर्दे का रंग दम पे लगाएंगे। सबसे पहले मैंने करना है गोश्त को मैरिनेट। गोश्त मैरिनेट कर लेंगे तो फिर हम इसे जल्दी से बना लेंगे। ये देखिए दही ले लें, दही में हम डालेंगे गरम मसाला, हरी मिर्च का पेस्ट, जो जो डालते जाएं बर्तन साइड पे रखते जाएं, सब्ज इलायची, इनको हल्का सा मैंने खोल लिए, जायफल जलवतरी का पाउडर भी हमने डालना है 1/2 टीस्पून, वो जब मैं डालूंगी आपको बता दूंगी, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बनाना तो बहुत ही आसान है, इसीलिए इसका नाम स्टूडेंट बिरयानी है। ये सुरख वाली मिर्चें, टमाटो पेस्ट, अगर 1 गिलास चावल है तो हमें 3 गिलास पानी चाहिए होंगे इसमें। ये मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें रखना है चिकन डालना है। चिकन को अच्छी तरह धो लिया, फिर भी मैं हाथ से पकड़ के डालूंगी, कोई पानी वगैरह होगा तो वो नीचे ही रह जाए ब्लड वगैरह। ये देखें, और इसे मैंने रख देना है इधर, मैं किचन में ही साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाला इसमें रच बस जाए। इसमें मैंने जायफल जलवतरी नहीं डाली, मैंने डालनी है जब इसे भुनाई करेंगे, फिर ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। इसको इधर किचन में साइड पे रख लेंगे और प्याज फ्राई कर लेंगे, और इसको मैंने काट लेना है। आप इसे और यानी कि अदरक डालना है पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे काट के डालूंगी। और बकाया मसाले, खड़े मसाले जो है वो भी मैं ले आऊंगी। एक देसी को चूल्हे के ऊपर रख लें। देसी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं या जिस बर्तन में आप चावल बनाते हैं उसमें बना लें। इसमें मैं 1/2 कप ऑयल डालूंगी क्योंकि चावल आप पुराने हो चुके हैं, तो ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं डाल लें, तो ये पूरा जाएगा, कम नहीं डालेंगे वरना फिर चावल खिले खिले नहीं बनते। अब इसमें प्याज डाल के इस प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर का करना है, तो मैं दम पे प्याज नहीं डालूंगी, गोल्डन किया हुआ मैंने इसके अंदर ही रहने देना है। अब मैं इसे गोल्डन कलर का कर लूंगी। प्याज गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल दूंगी, तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक फ्रेश, और साथ ही वो भी कड़कड़ा गया है, फ्राई हो गया, और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। जो लोग प्याज दम पे फ्राई करते हैं वो इस स्टेज पे गोल्डन किया हुआ प्याज थोड़ा निकाल लें। अब इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना है, इसमें चम्मच चलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह चिकन को भून लेंगे। चलें, जब ये ऑयल निकल आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
सारा दही का पानी, मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ खुशक हो गया और इसको बहुत ही अच्छी तरह मैं भून रही हूँ। चिकन समझे कि इसमें रोस्ट हो रहा है और बहुत ही आला खुशबू आ रही है। जब इसकी बुनाई कर रहे हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी जायफल और जलवतरी 1 टीस्पून। ये जरदा रंग है, इसमें मैं पानी डाल लूंगी। जब भी जायफल जलवतरी इस बिरयानी में डालें, इस स्टेज पे डालें। चलेंगे अब मैं इसमें डालूंगी 2 ग्लास पानी। दो ग्लास पानी डाल दिए, इसके जोश आने का इंतजार करेंगे। और चावलों जो मैंने 1 घंटा वगैरह भिगोए हैं, इनका पानी निकाल के ले आऊंगी। जोश आना शुरू हो गया, चावलों का मैंने पानी निकाल दिया और चिकन भी गल गया है। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है और बारिश का मौसम देख के ही हमने बिरयानी सिलेक्ट की है। और इसमें मैं ये सारे चावल डाल दूंगी। इस स्टेज पे हम इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, कम ज्यादा, अगर कम है तो डाल दें, वरना अगर ठीक है तो बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि हमने ज्यादा तो डाला ही नहीं था इसमें। अब मैं इसमें नमक चेक करके वो भी डाल दूंगी। ज्यादा चम्मच चलाने की जरूरत भी नहीं है। नमक कम है, मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डालूंगी। नमक मिक्स करके बस अब इसे छोड़ दूंगी पानी के खुशक होने तक। पानी खुशक हो गया, अब इसको इस तरह टॉस कर लें। चूल्हा हल्का करेंगे, थोड़ा सा दम पे जीरा लगाएंगे। आपने थोड़ा सा लाइट प्याज रखना है, मेरा डार्क ज्यादा हो गया। और जरदा रंग डालेंगे इसमें। 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैं शेयर करूंगी। दस मिनट चावलों का दम चढ़ गया, अब मैं डिश आउट करूंगी। चलिए डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई है। प्लीज़ बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।